और कितना समय में ऐसा मूर्ति बन जाता है, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है और कितने दिन में बन जाता है, और ये मूर्ति बनाने का जो कार्यक्रम है प्रारंभ है कब ये भाई साहब जी शुरू करते हैं, कितने दिन पहले? कभी 2500 भी बेचना पड़ता है, ऐसा होता है कि 1500 में भी बड़ा मूर्ति छोड़ना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कितना डिजाइन इसमें दिया गया है, इस कुमार भैया का जो है जो कितना मेहनत इसमें लगा होगा, और फिर भी लोग जो है सो इसको सही मायने में जो है सो मतलब इसको प्राइज मतलब जो दाम जो कहते हैं वो नहीं दे पाता है इधर। नमस्कार दोस्तों, आपका छोटा भाई मिस्टर कृष्णा महतो अभी देख रहे हैं एक न्यूज़ रिपोर्टर सोनी में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी बसंत पंचमी चल रहा है और माँ शारदे का पूजा महोत्सव होने वाला, जैसे कि 26 जनवरी का जो 26 जनवरी भी है और उसी दिन जो है माँ शारदे का यानी माँ सरस्वती का पूजा महोत्सव भी है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि माँ सरस्वती को बनाने में कितना समय लगता है और कुम्हार भाई जो है सो इसको कितना मेहनत करके बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, कितने दिन में बन जाता है, ये सब आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आप लोग वीडियो में बने रहिए और कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि जैसे आप दिखा सकते हैं इधर लाइन से कितना साला माँ शारदे का मूर्ति बना हुआ है, जैसे कि दिखाइए कैमरामैन इधर, और अंदर में भी देख सकते हैं बहुत सारा माँ शारदे का मूर्ति है, ये देख सकते हैं। हमारे कुम्हार भाई जो है उनसे भी बात करेंगे और बांट लेंगे कि किस तरह से बनाते हैं और कितना समय में ऐसा मूर्ति बन जाता है, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है और कितने दिन में बन जाता है, और ये मूर्ति बनाने का जो कार्यक्रम है प्रारंभ है कब ये भाई साहब जो शुरू करते हैं, कितने दिन पहले? तो ये सब जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, ये बनाने में कितना मेहनत लगता है और किस किस सामान का सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपको इधर दिखाना चाहेंगे, कैमरा मैन इधर आइए, इधर जैसे कि आप देख सकते हैं कुम्हार भाई हैं इधर जो माँ शारदे का जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है या जो भी होता है उसका वो बना रहे हैं अभी भैया, और इन सभी बात करेंगे। पहले इधर दिखाइए, ये सब जैसे मट्टी है, इस मट्टी का भी उपयोग किया जाता है इसमें, और बाकी अंदर भी बहुत सारा है। तो इधर देख सकते हैं ये माटी जो है कौन सा ये माटी होता है, ये किस माटी का उपयोग किया जाता है माँ शारदे का प्रतिमा बनाने में, ये सब आज हम आपको जानकारी देंगे। और चलिए इधर जो है से भैया मूर्ति को जो है सो बना रहे हैं और इन सभी हम बात करेंगे और आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये लाइन में कितना साला मूर्ति अभी है और भैया जैसे इनको बना रहे हैं। भैया आपको हमारे चैनल में स्वागत है, बोलिए क्या बोले। अच्छा चलिए उन भैया से बात करते हैं, क्योंकि भैया जैसे क्या बोलेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, भैया इन भैया से बात करते हैं। कैसे हैं भैया? ठीक है। अच्छा भैया आप ये बताइए, जो माँ शारदे का ये माँ सरस्वती की जो आप जो मूर्ति बना रहे हैं, ये सब मूर्ति आप कितने दिन पहले बनाना शुरू करते हैं? 2 से 2.5 महीना पहले। 2 से 2.5 महीना पहले? जैसे कि इसमें बनाने में तो आप लोगों को बहुत बारीक से बनाते हैं, बड़े ध्यान से बनाते होंगे और बहुत मेहनत लगता होगा। हाँ। मतलब किस किस सामान आप इसमें उपयोग करते हैं? मट्टी का, घास का, बांस का, रस्सी है, सब कुछ, कारीगर भी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। अच्छा एक मूर्ति जैसी जैसे कि मान लिया आप कितना माप जो है सो बेच देते हैं? देखिए सामान का जितना रेट है उस हिसाब से मूर्ति का रेट हम लोग को मिलता नहीं है, कभी 2500 भी बेचना पड़ता है, ऐसा होता है कि 1500 में भी बड़ा मूर्ति छोड़ना पड़ता है हम लोग को, मतलब उस माहौल के हिसाब से आप लोग दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा ये मूर्ति जितना आप बनाए हैं जैसे कि कैमरा में दिखाइए, ये सब मूर्ति सारा मूर्ति आपका बिक जाता है? बिकता नहीं है, कुछ बच जाता है। तो जो बच जाता है उसको क्या करते हैं? उसको रख देते हैं, अगला साल होता है तो ठीक रहता है तो चलाते हैं, नहीं तो इससे फेंका हुआ रहता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भैया जो है सो मूर्ति बनाने में करीब जैसे 2.5 महीना पहले बनाना शुरू करते हैं। उधर देखिए कुछ मूर्ति जो है जो भैया जो पेंटिंग कर रहे हैं यानी उसको मेकअप कर रहे हैं मूर्ति को और पानी से। अच्छा ये बताइए इस मूर्ति में इस कलर का कौन कौन कलर का आप लोग उपयोग करते हैं? हम लोग डिस्टेम्पर का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का? डिस्टेम्पर, जिससे घर रंग होता है वही रंग लेते हैं हम लोग। अच्छा वही रंग से उपयोग करते हैं। हाँ जरा सर चल हमको दिखाइएगा इसमें जो भी सामान जो आप लोग उपयोग करते हैं तो किधर है आपका, मतलब कैसे करते हैं, चला चल के दिखाइए हमारा ऑडियंस को। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि मूर्ति जो है सो इसमें कौन कौन सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये भी देख सकते हैं मूर्ति का बनावट जो है, ये माँ शारदे का मूर्ति है और ये क्या चीज़ है, कौन सा पक्षी है भैया? ये सब हंस है। अच्छा ये हंस है। जब ये मूर्ति का रंग पेंटिंग हो जाएगा तो ये एकदम लाजवाब लगेगा देखने में। ये जो है भैया आप ये भी बता दीजिए हमको, ये जो लोग सरस्वती पूजा करते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं, तो किस लिए मनाते हैं? माँ सरस्वती का पूजा होता है, विद्या का देवी है। हाँ। स्कूल के में होता है, बहुत कोई रोड में भी करते हैं बच्चे सब, जिसका आस्था है
वही सब आदमी करते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो हिंदू धर्म में जो है सो ये माँ शारदे का पूजा बहुत ही महत्व रखा गया है, क्योंकि जितना भी हिंदू धर्म में लोग हैं इस मूर्ति को बहुत ही आस्था से मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही श्रद्धा प्रेम से इनको मतलब जो है सो बुक भी करते हैं माँ शारदे के प्रतिमा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कितना डिजाइन इसमें दिया गया है, इस कुमार भैया का जो है सो कितना मेहनत इसमें लगा होगा, और फिर भी लोग जो है सो इसको सही मायने में जो है सो मतलब इसको प्राइज मतलब जो दाम जो कहते हैं वो नहीं दे पाता है। इधर भी देख सकते हैं कमल के आसन पे जो है माँ शारदे बैठाया गया है माँ शारदे को। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो आपका बहुत ही लुकिंग और सुंदर देखने में लगेगा, ऐसे लगेगा देखने में कि माँ शारदे साथ साथ हमारे सामने विराजमान हो गए हैं। बाकी तो अभी तो इसका जो है कार्य चल ही रहा है, चलिए आपको हम दिखाते हैं कि ये जो इसमें कौन कौन सामान का उपयोग किया जाता है वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। भैया दिखाइए जरा हमारा ऑडियंस को, आपको हम शुरू से दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इधर देख सकते हैं, शुरू से दिखाइए जरा। हाँ देखिए दोस्तों, माँ शारदे का जो मतलब जो हंस का जो होता है मुखरा या चाहे उसका पंख या जो भी होता है डिजाइनिंग होता है वो सब आपको भैया दिखा रहे हैं। बड़े ही ध्यान से दिखाइए, हमारा कैमरा में अनुरोध करें थोड़ा सा अस्थिर से दिखाइए और आराम से दिखाइए। अच्छा अब हम भैया से पूछना चाहेंगे ये जो है ये सब क्या क्या चीज़ है, भैया बताइए ये क्या है? ये पैर है माता का। अच्छा ये माता का पाँव है। अच्छा ये क्या है भैया? ये तो लक्ष्मी जी का उल्लू है। अच्छा ये लक्ष्मी जी का उल्लू है, मतलब इसको फरमा कहते हैं ना। ये मोर का पंख है। और ये मोर का पंख है, और भैया ये आपका मेर में लगता है। अच्छा मेर में जो लगता है। हाँ। अच्छा हुआ डिजाइन हो गया, ये डिजाइन हो गया। और ये क्या है? ये हंस है। अच्छा ये दोस्तों देखने ये हंस है, जरा खाना मुझे दूर से दिखाइए, खड़े होकर पीछे जाके दिखाइए। ये जैसे कि देख सकते हैं ये हंस है और इसमें जो अंदर में जो डिजाइन दिया गया है ये सेम लुक लगेगा आपको डिजाइन में। कमल का फूल है। और ये कमल का फूल है। और ये शंख। अच्छा ये शंख है जो इसको जो है सो मतलब शंख फूकने पर पूरे वातावरण जो है सो एकदम पवित्र हो जाता है, क्या भैया? अच्छा और भी कुछ है दिखाने के लिए क्या? और यही सब है, डिजाइन सब है। चलिए ये सब डिजाइन तो समझ गए। अच्छा मुखरा दिखा सकते हैं, जो सस्ती माँ जो मुखरा होता है वो कैसा है? यही है। ये देखिए भैया ये सस्ती माँ का मुखरा होता है, मतलब इसका भी फरमा होता है, उसी फरमा में ये बनता है ना जी, उसी फरमा में माँ शारदे बनता है। जय माँ शारदे, इसको रख दीजिए आराम से। और इधर कुछ आप देख सकते हैं, इधर जो कच्चा माटी का जो होता है उसको गीलापन करके उसका डिजाइन बनाने का जो काम किया जाता है, इधर आप देख सकते हैं, कैमरा मैन जरा दिखाइए आराम से। ये सब फूल है क्या भैया? और ये रुद्राक्ष है क्या? अच्छा अच्छा साड़ी में लगाने जो मेयर होता है वो डिजाइन होता है। और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी बहुत सारा डिजाइन दिया गया है कच्चा माटी का। और इधर गणेश भगवान का भी मुखरा देख सकते हैं, ये गणेश भगवान है क्या सर? ये गणेश भगवान का मुखरा है। और भी कुछ इसको जो अंदर में जो माँ शारदे जो अंदर में क्या चीज़ देते हैं? अंदर में पुआर देते हैं, घास। पुआर, जैसे कि बहुत लोग को पुआर मालूम नहीं होता पुआर कैसा होता है, तो इधर आप देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में रखा गया है पुआर, बाकी आप अलग से ही देख के समझ जाइए। और इधर भी देख सकते हैं दोस्तों, आपको हम एक बार जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप लोग माँ शारदे का पूजा करते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग आपको यहाँ जो छोटे मूर्ति से लेकर बड़ा मूर्ति तक मीडियम मूर्ति तक आपको मिल जाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारा भैया के पास मूर्ति है। और भैया से हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि आप कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे सकते हैं कि अगर कोई इस वीडियो के माध्यम से अगर लेना चाहे तो? हाँ क्यों नहीं, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरा बता दीजिए। 91-13-10-87-94। एक बार फिर से रिपीट करिए। 9113108794। तो दोस्तों ये जो है सो भैया जी का नंबर है, मतलब जैसे इनका आप ओनर हो गए यहाँ के ना। हाँ तो भैया का नंबर है, स्क्रीन पर भी हम ये नंबर चला देंगे, जो चल रहा नंबर भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए और भैया का मूर्ति आप लोग खरीदिए। आप इतना मूर्ति खरीदिए, इतना आस्था प्रेम लाइए मन में कि भैया का एक भी मूर्ति नहीं बचे इनका, इन्हें अगले साल के लिए रखने का जरूरत ना पड़े। बाकी आप लोगों का मेरा प्रयास ही कैसा लगा माँ शारदे का प्रतिमा दिखाने का, और जो भी जानकारी आपको दिए प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पे पहली बार है फॉलो कर लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो लाते हैं, और बाकी यहाँ तक आपको फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद मित्रों, शुभकामना। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद दोस्तों।